हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के बना रहा हूँ। पाइथन में आईडी का क्या महत्व है, आईडी आइए देखते हैं आईडी का क्या महत्व है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से पाइथन को ओपन करना है और यहाँ पे नया पेज हमने ले रखा है। यहाँ पर एक वेरिएबल हम ए नाम से बनाते हैं, इसमें 10 स्टोर कराते हैं, फिर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ए को। जाहिर सी बात है, ए को अगर प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा सेव करने के बाद। तो यहाँ पर इसको सेव करता हूँ प्रिंट के नाम से, या कुछ कोई भी नाम दे करके .py लगा देते हैं, ये सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद जैसे ही रन होगा तो यहाँ 10 प्रिंट हो जाएगा, सही है। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां पर आईडी का यूज करेंगे। आईडी एक फंक्शन है और यहां पर ये आईडी लगा दिया हमने, और आईडी लगाने के बाद यहां पर इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद क्या करना है, सिंपल यहां से F5 करना है, तो यहां पर इसका एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि एक आदमी जब कहीं मूव करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है, तो वो जब मूव करता है एक से दूसरे जगह जाता है तो वहां पर उसका एड्रेस चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जब भी प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है इस तरह का और आईडी का यूज करेंगे तो ये उस एड्रेस के बारे में बताएगा। जब भी वो मूव होगा, रैम में कहीं जगह मिल गई, फिर कहीं जगह मिल गई, फिर कहीं जगह मिल गई, तो वो जो होगा ना हर बार एड्रेस चेंज रहेगा। मैं फिर आपको दिखाता हूं, F5 करता हूं तो यहाँ पर देखिए 192 से एड्रेस आ रहा है। अगर इसी को मैं दोबारा से चला दूं F5 करके तो यहाँ पर एड्रेस चेंज 203 हो गया। फिर इसको दोबारा से चला दूं तो यहाँ पे फिर एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो ये बार बार एड्रेस चेंज होने की कहानी यही बताती है कि आईडी लिखने से हमारा एड्रेस ये बार बार चेंज होता रहेगा। और वो एड्रेस है जहां पर कि आपका रैम में जगह मिल रही है, ये वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।